हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए अगेन एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। उनके मन में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है, तो उनके लेट नाइट थॉट हम देखने वाले हैं। व्यूवर्स, एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। सो व्यूअर, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपके लिए की क्या कुछ है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। सो लेट्स सी। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके ऊपर फोकस बनाइएगा और देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में आज रात इनके लिए? प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है इनके मन में? एम्परर, टावर, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप्स, वी हैव स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस एंड द टेन ऑफ सोर्ड। बॉटम से हमारे पास व्यूअर्स यहाँ पे आया है नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर के मन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आज सबसे ज़्यादा अकेलापन इस समय महसूस कर रहे हैं। अकेलापन की एनर्जी गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अकेलापन भी है, खालीपन भी है, आइसोलेशन कंप्लीट है और रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये आपके पर्सन की मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपके पास में आ जाना चाहते हैं, वो फिर से आपके पास में आ जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही रहें, कभी अलग ना हो, कभी जुदा ना हो। ये उनकी प्रायोरिटी मुझे ऐसे नज़र आ रही है। उनका उनका माइंडसेट व्यूअर्स ये कहता है कि वो इस टावर मोमेंट को आपके साथ में अब और नहीं चाहते हैं। ये टावर मोमेंट वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते, वो आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं और वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हुई हैं। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है आपके पर्सन व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे आप लोगों में से, आपके पर्सन जो टावर मोमेंट में गए तो थे व्यूअर्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर किसी तरह का फियर फैक्टर था या फिर किसी तरह की परेशानी थी उनके लाइफ में, कुछ आ गई थी सडन, जिस वजह से शायद ये टावर मोमेंट आपके इस कनेक्शन में आ गया, लाइफ में आ गया। और आज मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन अपनी उन वीकनेसेस को देख पा रहा है कि ये हमारे में कमी रही है और हमें इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए था, या चीज़ें हमें हमारे लिए ठीक नहीं थी, इस रिश्ते के लिए ठीक नहीं थी और ये बिल्कुल सडन हुआ आपके रिश्ते में। आज आपके पर्सन को व्यूअर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आपका रिश्ता नहीं है, आप नहीं हो, तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ के अंदर। कुछ ना कुछ गाइस चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आज आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी गाइस यहाँ पे है, जो यही दिखाती है कि वो आपके साथ में इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में आएँ और चीज़ें बेहतर हो सके, एक दूसरे की जैसे कि अंडरस्टैंडिंग की जो यहाँ पर ज़रूरत है वो ज़रूरत आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी चाहत है कि वो आपके साथ में फिर से एक जर्नी शुरू करें, फिर से एक जर्नी शुरू करें। वो आगे बढ़ तो गए थे कहीं ना कहीं पीछे सब कुछ छोड़ के। मे भी हो सकता आप लोग बहुत रोए हो, तड़पे हो आपके पर्सन के जाने के बाद में, लेकिन ये पर्सन भी बस खुश नहीं नज़र आ रहा आज मुझे। इसको भी आपकी बहुत याद आ रही है, ये भी आपका हाथ पकड़ना चाहता है, हाथ थामना चाहता है, ये चाहती है। जो भी है आपके पर्सन की एनर्जी वो यही दिखाती है कि आज आपका पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में अकेला है, उसको आपका साथ चाहिए। वो ये टावर मोमेंट को व्यूअर्स ऐसा देख रहा है जैसे कि इसने बहुत कुछ छीन लिया। इस टावर मोमेंट को व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना, कोई अननेसेसरी डिजास्टर आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती नहीं थी, बस हो गया, ये चीज़ें हो गई। जैसे कि एक इंसान से उसका घर छीन जाने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रही है। किसी का अभिमान भी यहाँ पे चकनाचूर हुआ है, किसी का गुरूर भी यहाँ पे टूटा है। अगर इनको अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुरूर था, अभिमान था, तो
तो वो भी यहाँ पे मुझे चकनाचूर होता नज़र आया, इसीलिए आपके पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है। ईगो क्लैश हुआ है यहाँ पे, कहते ना कुछ चीज़ें आज भी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ चीज़ें आज भी ऐसी हुई हो जो यही दर्शाती हैं कि जब हमेशा से कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा किसी ना किसी की लाइफ में आती रहती है, लेकिन उनको हमेशा से आज ऐसा एहसास हुआ कि ये चीज़ें तो मेरी लाइफ में तब तक नहीं मेरे पे हावी हुई जब तक आप उनके साथ थे। ठीक है, जब तक आप उनके साथ थे ये उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे वो एक कंफर्ट में नहीं है, एक सुकून में नहीं है, लेकिन आज उनके साथ में आप नहीं और कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे उनको लगा कि उनका कम्फर्ट, उनका सुकून, उनका चैन, उनकी हर एक खुशी उनसे दूर हो गई है और वो मजबूर हो गए हैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने को लेके। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोग मजबूरी से भी आ रहे हैं, कुछ लोग आपको याद करके बहुत रो रहे हैं आज आपके पर्सन की एनर्जी। गाइज मैं यही कहूँगी, ओके, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इसका खड़े होके ही अपने घर की तरफ यानी अपने रिश्ते की तरफ देखता हुआ यहाँ पर आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या निकल के आता है। और इनर वॉइस, कॉम्प्रोमाइज, फूल, ऑर्डिनरीनेस एंड द पास्ट लाइफ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन जो एक दूसरे से मे भी हो सकता बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हो, या फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता, जैसे कि आपका एक रिश्ता था एक दूसरे के साथ में जो कि बहुत स्ट्रांग था और एक गलती की वजह से ये रिश्ता टूट गया, एक गलत डिसीजन की वजह से हो सकता है ये जो कनेक्शन था आप दोनों के बीच में टूटा और आज आपका पर्सन भी बस इन्हीं चीज़ों के नीचे दबा चला जा रहा है। ठीक है, उसको ये सारी आपकी यादें आपकी बातें बहुत परेशान कर रही हैं, आज ही उनसे आपका पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहा है और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप दोनों बीच में जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, रुकावटें हैं, दूरियाँ हैं, मन मुटाव हैं, जो भी है वो एक समझौते के थ्रू कहीं ना कहीं बदल जाएँ परिस्थितियाँ और वो आपसे फिर से मिल सके, फिर से बात कर सके, फिर से आपके नज़दीक आ सके और एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सके। ये पर्सन को नहीं पता भी इसके लाइफ में क्या होगा, इसकी जर्नी किस तरफ जा रही है, इसके आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस पर्सन को नहीं पता, बस ये पास्ट में लौट जाना चाहता है आपका पर्सन। ये आगे बढ़ नहीं पा रहा, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये बढ़ना तो चाहता है अपनी लाइफ में लेकिन इसको कहते नहीं बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपकी अपनी लाइफ में नज़र आती है आपके पर्सन को कि अगर मैं कदम बढ़ाता हूँ आगे, अगर आपके बिना बढ़ाऊँ भी तो पता नहीं क्या होगा, आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक थॉट है जो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये अपनी वही पुरानी ऑर्डिनरी से लाइफ चाहते हैं, ये वही सब चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं इनके पास थी, ये कुछ नया चेंजेस नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर। इनका दिल यही कहता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आप लोग फिर से साथ आ जाएंगे। उनको ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं एक बुरा समय है, ये भी गुजर जाएगा और चीज़ें फिर से बेहतर हो जाएंगी, राइट? तो यहाँ पे वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन को उम्मीद है कि कभी ना कभी तो परिस्थितियाँ बेहतर होंगी और बहुत जल्दी बेहतर होंगी क्योंकि ये इस चीज़ में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते। दबाव बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर अपनी भावनाओं का, अपने इमोशन का, इस रिश्ते का, आपको लेके, तो ये पर्सन चीज़ों को झेल नहीं पा रहा है। ये ऐसा ही पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिटर्न बैक करना चाहता है और वही पुरानी लाइफ को फिर से जीना चाहता है जो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में इस पर्सन ने जी थी। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं और आपके लिए क्या यहाँ पे फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। सिक्स ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि ये आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फिर से एक ऐसी लाइफ चाहता है जो कहीं ना कहीं कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, ये जर्नी कहीं ना कहीं आपके साथ में हमेशा चलती रहे, कभी ख़त्म ना हो, इसका कभी एंड ना आए। ठीक है, ये ऐसा ही पर्सन मुझे आज नज़र आ रहा है। इसकी आपको लेके कई सारे इसके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं कि आप जल्दी इसकी तरफ आओगे, आप इससे बात करोगे। ठीक है,
या फिर ये आपकी तरफ आएंगे, आपके पर्सन, आप दोनों के, मतलब ऐसे ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में, लेकिन इसको ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हाँ जो इनकी उम्मीदें हैं वो पूरी ज़रूर होंगी और आप दोनों में ये फिर से कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये फिर से एक जर्नी स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच में, ये जो बुरा समय है इससे आप निकल के एक अच्छे समय की तरफ जाएंगे, तो यही मुझे नज़र आ रहा है। आपका पर्सन कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहता, किसी और के साथ में नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ पास्ट वाली लाइफ में वापस से रिटर्न बैक करना चाहता है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए यहाँ पे। चलिए कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए। देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या चैनल मैसेज है आपके पर्सन के। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो मैसेज आए हैं। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू, आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। वाई यू आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, आप अपने पर्सन से दूर क्यों जा रहे हो, क्यों उनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते और आप वो भी ये चाहते हैं कि आप भी उनसे दूर ना जाओ। आई फील होल विद यू, आपके साथ वो कंप्लीट महसूस करते हैं। ओके, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, आपके पर्सन के पास में कुछ कहने की शक्ति नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, आपके पर्सन चाहते हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि वो आपके पास में वापस आ जाएं, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, राइट तो यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर व्यूअर्स मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।